क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे जानलेवा पक्षी कौन है? वो अपना शिकार कैसे चुनता है, निशाना कैसे लगाता है, हमला कैसे करता है? ये कोई और नहीं, ये है बाज। जो पक्षी तो दूर, इंसान तक को अपना शिकार बना सकता है। बादलों का सीना चीरकर उड़ने वाले पक्षी बाज के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। बाज एक ऐसा पक्षी है जो बादलों से भी ऊपर उड़ान भर सकता है, और वो भी 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इतना ही नहीं, ये हवा के साथ साथ जमीन पर भी बहुत तेजी से दौड़ता है और अपने शिकार को पलक झपकते ही दबोच लेता है। यही वजह है कि बाज की तुलना गाइडेड मिसाइल से की जा रही है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि शिकार होने वाले जानवर अक्सर झुंड में घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि झुंड में ही वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बाज एक ऐसा शिकारी है जो झुंड से भी अपने शिकार को ढूंढ निकालता है। लेकिन वो ऐसा कैसे करता है, बाज में ऐसी क्या खासियत है, इसी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक पिछले काफी समय से रिसर्च कर रहे थे, जो अब जाकर कामयाब हुई। तो जवाब मिला कि बाज किसी गाइडेड मिसाइल से कम नहीं। कैसे, अब वो भी समझिए। आपने अक्सर शाम के समय हजारों पक्षियों के झुंड को आसमान में उड़ते देखा होगा, और एक बार नहीं कई बार देखा होगा। पक्षियों को उनके बसेरे से निकलते या फिर बसेरे की तरफ जाते देखना कुदरत के खूबसूरत नजारों में से एक है। लेकिन यहाँ बात चमगादड़ की है, क्योंकि चमगादड़ का झुंड इतना घना होता है कि कुछ दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे धुआं उठ रहा हो। लेकिन इनका शिकार करने वाले पक्षियों को हवा में मंडराते हुए देखना हैरान करने वाला है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका से मेक्सिको तक फैले युआहुआन मरुस्थल के कोने से इन पक्षियों के व्यवहार पर रिसर्च करना जीव विज्ञानी यानी बायोलॉजिस्ट के तौर पर ग्राहम टेलर के तकरीबन 25 साल के करियर का सार रहा है। उनके दल ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर के साथ मिलकर ये रिसर्च की है। दरअसल झुंड में आगे बढ़ रहे पक्षी या जानवर का शिकार करना किसी भी शिकारी के लिए काफी मुश्किल होता है। विज्ञान की भाषा में इसे भ्रम प्रभाव यानी कन्फ्यूजन इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन बाज पर यह कंफ्यूजन इफेक्ट काम नहीं करता, जबकि दूसरे पक्षी जानवर या हम यानी इंसान झुंड को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस सवाल के जवाब की तलाश में वैज्ञानिकों ने बाज की एक्टिविटी को कैमरे में कैद किया। चमगादड़ की गुफा के एंट्रेंस पर हाई डेफिनेशन के वीडियो कैमरे लगाए गए ताकि बाज और चमगादड़ों का 3D वीडियो बनाया जा सके। उन्होंने बाज के हमला करने के तरीके पर रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि बाज का पहला एक्शन एक गाइडेड मिसाइल की तरह होता है, जिसका टारगेट फिक्स होता है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल शिपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि टारगेट का मूविंग एंगल और स्पीड क्या है, क्योंकि उसी के मुताबिक मिसाइल या शिकारी को भी अपनी स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन करना होता है। वैज्ञानिकों ने झुंड पर हमला करते हुए जिन बाज के वीडियो बनाए, वो उन चमगादड़ों की एक्टिविटी से प्रभावित नहीं दिखे जिन्हें उन्होंने शिकार बनाया। बाज किसी चमगादड़ पर फोकस करने की बजाय झुंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर बढ़ते दिखे। लेकिन इससे भी ये नहीं पता चला कि बाज किस चमगादड़ को निशाना बनाना चाहते थे, तो इसके लिए ग्राफिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये पता किया गया कि शिकारी की नजर हमले के वक्त कैसे बदल रही थी, मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली मूव कर रही थी, जिससे पता चला कि टारगेट की ओर आई फोकस हमेशा कॉन्स्टेंट रहा यानी स्थिर, खासकर उन केस में जिसमें पहली बार में ही शिकार चंगुल में फंस गया।